जनाब कौन से हैं वो पांच विलेजेस जिसमें आपको बहुत जल्द 64.7% 64.7% का कंपनसेशन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो आइए एक खास वीडियो आप सभी के लिए, वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। जो नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और चलिए खास अपडेशन आपको शुरू करते हैं। तो जनाब आपको ये बता दें कि ईडा अथॉरिटी की तरफ से रास्ता साफ होता हुआ एडिशनल कंपनसेशन की पेमेंट के लिए बहुत जल्द आपको दिखाई देगा, जिसमें जो फार्मर्स की जो विलेजेस आते हैं, जैसा कि मोहम्मदपुर, गुर्जर, दनकौर, सलारपुर, खरलीभाव और अट्टापुर, फतेहपुर विलेज। आपको ये बता दे, प्रयागराज हाई कोर्ट में लगभग 632 पेटिशंस फाइल हो रखी है, जो कि लगभग 16 विलेजेस जो यमुना सिटी के एरिया में आते हैं उनके फार्मर्स की तरफ से फाइल हुई हैं। इसमें से आपको ये बता दे, जो लैंड है मोहम्मदपुर गुर्जर विलेज का, वो भी सेक्टर 18 में ही उसका लैंड फॉल करता है। आपको एक बात और बताएं कि जो एक ये बड़ा प्रोजेक्ट है गौर यमुना सिटी का, गौर यमुना सिटी प्रोजेक्ट ने भी, उन्होंने भी अपना एडिशनल कंपनसेशन का मनी जमा कर दिया है यमुना अथॉरिटी में। आपको ये भी बता दें कि बहुत जल्द जो कंपनसेशन है वो फार्मर्स दनकौर के, उनको भी दिया जाएगा। बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी अपना जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन का मनी है वो डिपॉजिट कर दिया है। आपको ये बता दे, ये पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये सलारपुर विलेज के फार्मर्स को दिया जाएगा। और आपको ये भी बता दे, जो स्कीम है चार बिल्डर प्रोजेक्ट्स की, जो कि लॉन्च करी गई थी खरली भाव विलेज में, उसका भी एडिशनल कंपनसेशन उधर के जो विलेज के फार्मर्स है खरली भाव के, उनको दे दिया जाएगा। आपको एक बात और बताए, जो मिक्स लैंड यूज है वो अट्टापुर फतेहपुर विलेज में आता है, उसके लिए भी एडिशनल कंपनसेशन बहुत जल्द डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें लगभग जो 16 विलेजेस हैं जिसकी पेटिशन हाई कोर्ट में फाइल हुई है, उसमें से जो विलेजेस आते हैं वो अच्छेजा बुर्जुग है, औरंगपुर है, अट्टा गुर्जन है, चांदपुर है, दनकौर है, धनौरी है, दुंगारपुर रखेला है, फतेहपुर अट्टा है, गुनपुरा है, जगानपुर है, करौली है, कदारपुर है, पचोखरा है और परसौल है। तो जनाब आपको ये बता दें, ये जो डिस्प्यूट है लगभग काफी सालों से चला आ रहा था और अब ये डे बाय डे आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनसेशन का जो मुआवजा है वो बहुत जल्द हर एक इंसान तक पहुंचेगा। और इसके साथ इस यमुना एक्सप्रेसवे एरिया में रफ्तार हर एक सेक्टर में, हर एक जगह पे प्रगति के साथ आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं ये खास वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं खास नई अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।